मनरेगा घोटाले का पर्दाफाश। एसडीएम की जांच में सामने आया मनरेगा घोटाला। जालौन जिले के माधवगढ़ में काफी दिनों से महाराजपुरा के ग्रामीण मनरेगा में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत कर रहे थे। तहसील दिवस और डीएम के यहां भी शिकायतें की गई थी, जिस पर एसडीएम सालिकराम और खंड विकास अधिकारी दीपक यादव द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जांच के दौरान एसडीएम को मनरेगा के कार्यों में काफी खामियां मिली। ग्राम प्रधान और पंचायत मित्र के द्वारा फर्जी मजदूरों के मास्टर रोल निकालकर भुगतान कराया गया है, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी की नाराजगी स्पष्ट दिखाई दी। इसके अलावा विकास कार्यों की भी जांच की जा रही है। फर्जी तरीके से हैंडपंप की मरम्मत, नाली मरम्मत और सड़क का कार्य दिखाकर पैसे निकालने का काम किया गया है। इन खामियों को लेकर घोटाले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात एसडीएम ने कही है। आज आपके यहाँ उप जिलाधिकारी द्वारा जांच की गई है चौपाल लगाकर, क्या क्या त्रुटियां पाई गई, क्या कार्रवाई करने के निर्देश सर? उस पर कोई निर्देश नहीं मिला। एसडीएम साहब आए थे जरूर, लेकिन उनने केवल मनरेगा देखा है। मनरेगा में 7 एस्टीमेट पे, हर एस्टीमेट पे 10-20 आदमी फर्जी पाए गए, और एक एस्टीमेट ऐसा मिला है जो शिवचरण के मकान से और गोपाल के मकान तक उसमें कीचड़ पड़ा हुआ है, 50 ट्राली मिट्टी केवल गिरी, उसपे 1,39,000 का भुगतान भी हुआ है, बिल्कुल फर्जी है। उनने लिख लिया है कि हाँ ये फर्जी हुआ है, और जितने लोग हर एस्टीमेट में पाए गए हैं, पंचायत मित्र के ससुर देवर जिठानी, वो हर एस्टीमेट पे फर्जी पाए गए हैं, लिहाजा हम आपकी जाँच लेकर जा रहे हैं, इस पे उचित कार्रवाई करेंगे। आपके यहाँ आज जांच आई थी उप जिलाधिकारी के द्वारा, जांच की गई तो क्या क्या फर्जी पाया गया और क्या क्या कार्रवाई के लिए आदेश? जो ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत में कोई सुनवाई नहीं हुई, और जो मनरेगा का काम था उसमें एसडीएम साहब ने उसकी मतलब इंक्वायरी की, वो बोला है, आश्वासन दिया है कि उसको उचित कार्रवाई होगी।